तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। पहले तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, 2 मिनट लगेंगे, सब्सक्राइब कर दो पहले तो, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी नहीं किया चैनल सब्सक्राइब। और अपन जो है रेडी हो चुके हैं, चल रहे हैं कहाँ, अभी गाड़ी में बैठ के बताता हूँ, है ना। भाई आ चुके हैं अपन गाड़ी में और अपन चल रहे हैं कहाँ, स्कॉर्पियो को एक बार दिखा के लाते हैं पहले। क्या दिक्कत है, मैंने बताया था ना एक बार जो पेट्रोल के टैंक में अपना पानी आ गया है, जो उसके मीटर पे जो है लाइट आ रही थी ना, तो उसको जो है अपन ने तब से दिखाई नहीं था, काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1-2 महीने हो गए, तो ना अपन को मौका मिला ना टाइम मिला दिखाने का। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी इतनी चलती नहीं है ना ये वाली अपनी, तो अपन जो है जो कोई भी दिक्कत आती है उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो आज जो है अपन फ्री थे ही, गाड़ी भी रखी हुई थी, तो अपन ने सोचा क्या आज इसको दिखाई ले रहा है। मैंने और का मोंटू भैया हम दोनों जा रहे हैं, वहीं पे हैं, उधर ही मिल लेंगे, और एक भैया का गैराज है अपने, वहीं चलते हैं, उनको दिखाते हैं कि भैया क्या दिक्कत आ रही है। हाँ मोस्टली तो वही दिक्कत है अपन को आ ही रही समझ में, कि टैंक में जो है डीजल के में आ गया पानी, वो कैसे आया वो तो अब क्या ही पता। चलो चलते हैं देखते हैं, मोंटू भैया को लेते हैं पहले। तो जैसे अभी ये जस्ट ये आ रहा है ना साइन रेड, ये अपने कांटे के नीचे, तो इससे आ रही है जो भी दिक्कत आ रही है। अभी जब से नहीं आ रहा था यहाँ तक आ गया मैं, अभी जस्ट जो है यहीं आके आने लगा। ऐसा ही है, कभी आता है कभी नहीं आता, आता है तो फिर जाता ही नहीं है। ऐसा ही है, देखो गाइस, तो भाई दिक्कत जो है आ रही है अपनी गाड़ी में, क्या भाई चेक किया था क्या कंप्यूटर लगा के कि दिक्कत क्या आ रही, तो जो है शायद डीजल फिल्टर में जो है चेंज होगा डीजल फिल्टर। अभी जो आपने देखा जो निकाला था वो था अपना डीजल पंप, उसके अंदर रहता है डीजल फिल्टर, तो वो चेंज करके देखते हैं पहले, ज़्यादातर तो उसी से हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर टैंक की सफाई करवानी पड़ेगी, जब तक टैंक में जो है पानी चला गया। OBD ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स, ये मशीन उसको यूज़ करके पता पड़ता है क्या क्या फॉल्ट आ रहा है गाड़ी में, वो जो है डिटेक्ट करती है, वो लगा के देखा था। देखते हैं फिल्टर चेंज करवाते हैं पहले तो खुल जाए, क्योंकि खुला नहीं है ना कभी, इसलिए जो है जाम हो गया शायद। इस जगह पे लगता है डीजल पंप, उसके अंदर रहता फिल्टर। भाई खेती के बाद इन्हें कायाकल्प करवाया है आज। कल से किलो आएगा, कल से आपको किलो देखने को मिलेगा। गाड़ी अपन ने छोड़ दी है अभी, तो भाई अभी अपन आ चुके हैं कहाँ, घर पे। गाड़ी जो है अपन ने डीजल फिल्टर चेंज हो गया था, तो जो है लाइट जो बत्ती आ रही थी वो तो चली गई थी, लेकिन फिर भी जो है वो मैकेनिक जो है अपने उस्ताद, वो बोल रहे थे कि एक बार इसका टैंक और लाइन वगैरह कुछ सब चेक करके देख लेंगे,
इसलिए जो है मैं गाड़ी वहीं पर छोड़ आया हूँ। तो उन्होंने बोला अपन फ़ोन लगा देंगे तो आप आ जाना तब। तो मैं मोंटू भैया ने छोड़ दिया था घर पे, मोंटू भैया के साथ आ गया था, जूस मूस पीने गए थे, फिर आ गए घर पे। अब जो है देखते हैं फ़ोन आ जाएगा तो गाड़ी लेने चलेंगे। काफ़ी टाइम हो गया था वैसे ही, मैंने सोची आज करवा ही लो, नहीं तो रखी रहती तो वो रखी रहती गाड़ी, हो जाएगी तो ही जाएगी, है ना। और जो है लाइट हट गई थी फिर भी अपन ने चेक इसलिए करवा लिया क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर फिल्टर में पानी आया है तो जो है कि टैंक में भी हो सकता है गया ही हो, तो इसलिए जो चेक कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए अपन ने बोला कि हाँ ठीक है कर लेते हैं। और अभी जो है मैं देख रहा हूँ क्या मैच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया 77/2। भाई तो भैया का कॉल आ गया था, गाड़ी अपनी हो चुकी है रेडी, तो अभी जो है अपन चलते हैं। विनायक को बोला है मैंने, वो भेज रहा है किसी को, उनके साथ जो है चला जाऊंगा वहाँ पे, फिर वहाँ से आ जाएंगे अपन गाड़ी लेके, है ना। तो भाई अपन चलते हैं, पहले लेके आते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। काम तो हो गया, भैया बोल रहे हैं टैंक वैंक लाइन वाइन सब साफ कर दी, एक बार जो है चला के देख के आते हैं पहले तो अपन। भाई अभी तक तो जो है बढ़िया एक नंबर, पहले से भी और मक्खन चल रही गाड़ी, वीआईपी बढ़िया स्मूथ, भाग भी बढ़िया रही है। तो भाई पेमेंट जो है अपन ने कर दिया है, हो चुके हैं अपन फ्री और ले लिए अपन ने गाड़ी, कुछ नहीं जस्ट जो है डीजल फिल्टर अपन मैंने दिखाई दिया था, डीजल फिल्टर जो है पूरा चौक हो गया था तो वो चेंज हुआ, टैंक की और लाइन की जो है सफाई हो गई बढ़िया एक नंबर। गाड़ी जो है पहले से भी और स्मूथ हो चुकी है, बढ़िया भाग रही है, रफ नहीं रही, मतलब स्मूथ स्मूथ पिकअप वगैरह भी सब अच्छा ले रही है। तो जो है अभी अपन चलते हैं पहले तो घर, ठीक है। तो भाई जाते जाते घर के लिए मुड़ते मुड़ते मैंने सोची गांव चलते हैं अपन। ऐसा कोई प्लान नहीं था पहले के गांव जाऊंगा, एकदम से मैंने सोची थोड़ा लंबा चलाऊंगा तो गाड़ी भी और सही से समझ में आ जाएगी कि और कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही है, जिससे क्या है कि अपन इसको फिर से दिखा लेंगे। नहीं तो अभी अपन ने घर पर जा कर रख दी और नोटिस नहीं किया कि कुछ दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, तो फिर वही फालतू के कट्टे। ये जो है चलते हैं गांव। तो भाई अभी मैं आ रहा था, पीछे है क्या थाना अपना देहात थाना, तो वहां पे चलती रहती है चेकिंग, पुलिस वाले जो है बैरिकेड लगा के ऐसे ही चेकिंग चालू कर देते हैं। तो जो है आधे से ज्यादा लोग, क्योंकि ये रास्ता है जो गांव वाले लोग ही ट्रेवल करते हैं ज्यादातर बाइक से, तो ना उनके पास हेलमेट रहता है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो जो है इकट्ठे हो गए इतनी भीड़ लगा लेते हैं चेकिंग के पहले ही खड़े हैं, जस्ट ऐसा नहीं कि बहुत दूर ही खड़े हो, बिल्कुल चेकिंग से मान लो 200-400 मीटर की दूरी पे दोनों साइड भीड़ लगी रहती है, यही देखते रहते हैं पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे, पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे। तो इतना खौफ है भैया। अपन तो जो है अपने पास तो लाइसेंस भी है और कोई दिक्कत भी नहीं है कि नहीं, इसलिए अपन जो है सीधे स्ट्रेट चलते हैं और निकलते हैं। तो भाई पहुंच गए अपन गांव, तो भाई गांव अपन आ गए थे, पापा गए हैं अभी गाड़ी के लेने टेस्ट ड्राइव,
उसमें वो लगवा दिया अपन ने एग्जॉस्ट, तो फुस फुस करते हैंगर चलते रॉकेट की रफ्तार से। गोलू आई फिर स्कूटी चलाने चल रहे हैं। चलो स्कूटी चलाने। हाँ आर यू मैड और व्हाट, तेरी चक्कर में तेरी तो वैसे ही सकल आई डेडी आई मेरी और उदय क्यों कर तो है कि नहीं गाइस। मैं गिरा ही नहीं हूँ कल तो गिरे थे खेत में पवन के साथ झूठी सही में। तो आई अपन लेके जा रहे हैं अभी गोलू को स्कूटी चलवाने। क्यों आई नूब है ठड़क मत जाइए कहूँगे ना तू खेत में जाके मिले। जितनी स्लो स्लो चला सीखेगा उतनी बढ़िया ड्राइवर बने। वही यहाँ की साफ सफाई सारी चीजें कर दी एक तरफ पूरा साफ। तो भाई अब गया गोलू चाचू के साथ और चाचू नहीं गोलू 2% भी भरोसा देखो वो खुद ही हाथ पकड़ के चलवा रहे हैं उन्हें नहीं गोलू मोलू भरोसा देखा रास्ते भी है गोलू भाई की। तो भाई अभी जो है मैं जा रहा हूँ कहाँ वापस गांव कह रहा हूँ वापस अशोक नगर गांव तो अपन है ही क्योंकि अभी चलता हूँ नहीं तो फिर जो है मौसम में से ही ठंडा ठंडा हो रहा है ठंडी हवा चल रही है तो अभी देर से जाऊँगा तो ठंड लगेगी रास्ते में फिर दोबारा गाड़ी ले जानी पड़ेगी तो दोबारा जो है वहाँ पे कोई भी टू व्हीलर नहीं बचेगी तो जो है चलते हैं अपन एक्सेस से। तो भाई गांव से तो अपन आ गए थे और जो है उसके बाद तो मैं कहीं गए नहीं बाहर वैसे ही बारिश वारिश हो गई थी थोड़ी मतलब तो ज़्यादा नहीं हल्की फुल्की हुई तो बाहर भी नहीं गए और अब जाने का कोई सीन भी नहीं है कहीं तो जो है करते हैं अपन इस ब्लॉग को यहीं एंड। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना कर दो ठीक है मिलते हैं कल के व्लॉग में अपन है ना।